जेएनयू के चंद विद्यार्थियों द्वारा डेमोंस्ट्रेशन की पहली बार जब खबर मैंने पढ़ी तो बुरा लगा। लगा कैसा बेअकली का काम है, लगा कि हो सकता है इसके पीछे कोई शरारत भी हो। उम्मीद की कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे इस पे कुछ एक्शन ले लेगी, इंक्वायरी करवा लेगी, समझदार होगी तो स्टूडेंट्स को अपनी गलती का एहसास करवा देगी। लेकिन अगले दिन जब पुलिस की कार्यवाही शुरू हुई, जब तरह तरह की ऐसी चीज़ें, अनहोनी चीज़ें होने लगी, कैंपस में पुलिस घुसी, उस स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष कन्हैया को पकड़ा जिसके बारे में आज तक कोई एविडेंस नहीं है कि उसने भारत विरोधी कोई बात कही हो, देशद्रोह का आरोप लगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि ऐसे किसी मामले में विचारों पे, नारों पे देशद्रोह का आरोप लग ही नहीं सकता। आतंक तक की बात की गई जिसका कोई प्रमाण नहीं है। तब लगा कि यह मामला दोषी लोगों को सजा देने का नहीं है, यह कुछ दूसरा खेल है, बार बार राष्ट्रवाद का नाम। मैं सोचने लगा कि हमारा राष्ट्रवाद क्या इतना कमजोर हो गया है कि 6 लोग उठ के नारा लगा देंगे और देश हिल जाएगा, राष्ट्रवाद को खतरा हो जाएगा। इस छोटी सी चीज का इतना प्रचार करने से राष्ट्र को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? वैसे भी ये सरकार और आरएसएस वाले जब राष्ट्रवाद का इतना नाम लेते हैं तो थोड़ी हंसी आती है। पिछले महीने नैरोबी में अमेरिका के सामने घुटने टेक के आए हमारे मंत्री घर आके राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। ये लोग जिनका देश के राष्ट्रवाद के संघर्ष में, स्वाधीनता के आंदोलन में एक रत्ती भर का योगदान नहीं है, ये लोग आज राष्ट्रवाद के ठेकेदार बन गए हैं। पश्चिम के राष्ट्रवाद के विचार लाके हमें सिखाने पे लगे। जब ये पटियाला कोर्ट वाली घटना हुई ना, तब दिमाग ठनका, जिसे कहते हैं ना दिमाग की बत्ती खुल गई। तब समझ आया कि राष्ट्रवाद तो सिर्फ औजार है, जेएनयू सिर्फ बहाना है, कन्हैया सिर्फ प्रतीक है। ये पूरे देश को एक संदेशा देने की कोशिश है और संदेशा स्पष्ट है, अगर हमसे अलग राय रखोगे, अगर विरोध करने की कोशिश करोगे, कुछ अलग सोचोगे या बोलोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। जेएनयू नहीं बच सकी, छात्र यूनियन का प्रेसिडेंट नहीं बच सकता, कोर्ट कचहरी के अंदर पत्रकार नहीं बच सकते, कौन बचेगा? ये खुल्लम खुल्ला चुनौती है। और आज जो लोकतंत्र को प्यार करते हैं, जिन्हें इस देश के लोकतंत्र में आस्था है, उनका एक ही धर्म है, जिन्हें इस देश में गर्व है, इस देश की परंपराओं पे गर्व है, हमारे लोकतंत्र पे गर्व है, उनका एक ही धर्म है, और वो धर्म है आज इसका विरोध करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाना। जेएनयू नहीं, विश्वविद्यालय का जो विचार है उसे बचाना, इस स्वतंत्रता की रक्षा करना आज हम सबका पहला धर्म है, मेरा और आपका, हम सबका।